इसके अलावा आप राजस्थान ज्ञान स्टोर टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में राजस्थान ज्ञान स्टोर टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। वहां पर आपको शिक्षा विभाग समाचार की पीडीएफ फाइल, इसके अलावा सभी भर्तियों की पल पल की जानकारी आपको वहां पर मिलेगी। रीट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, पीटीआई, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की भर्तियां और बाकी अन्य भर्तियों की जानकारी आपको वहां पर मिलेगी। धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, आज 25 अप्रैल 2023 संपूर्ण शिक्षा जगत के समाचार देख लेते हैं। राजस्थान पत्रिका एग्जाम गाइड सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। राजस्थान पत्रिका कैरियर की उड़ान, नई भर्तियां, आवेदन प्रक्रिया शुरू। भास्कर डेली करंट अफेयर्स क्यूज, आज का इतिहास, 25 अप्रैल की महत्वपूर्ण घटनाएं, थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती परिणाम और नई भर्तियों को लेकर अधिकारियों के साथ उपेन यादव की मीटिंग, सीटी ग्रेजुएशन का परिणाम इसी वीक में या फिर अगले वीक तक जारी होने की पूरी संभावना है। प्रश्नों पर आपत्तियां ज्यादा आने के कारण थर्ड ग्रेड भर्ती परीक्षा परिणाम में देरी हुई और अध्यापक भर्ती परीक्षा का परिणाम 20 मई से पहले जारी हो जाएगा। पीटीआई भर्ती परीक्षा परिणाम जारी करवाने को लेकर कल सुबह आज कर्मचारी चयन बोर्ड जाएंगे। इसके अलावा बेरोजगार संघ अध्यक्ष उपेन यादव की मुलाकात, सरकार के 5 सदस्य प्रतिनिधिमंडल से मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव कुलदीप रांका, ललित गुप्ता, आरती डोगरा से मुख्यमंत्री सीएमओ में मुलाकात। प्रक्रियाधीन 1,00,000 भर्तियों को जुलाई अगस्त तक पूरी करवाने, पीटीआई स्कूल व्याख्याता अध्यापक भर्ती सीटी का परिणाम जल्द जारी करवाकर नियुक्ति को लेकर की मुलाकात। थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती स्पेशल न्यूज, शिक्षा विभाग बीकानेर, तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती फरवरी मार्च में हुई परीक्षा के परिणाम का अभ्यर्थियों को इंतजार। L1 L2 शिक्षक भर्ती का परिणाम अप्रैल में संभव नहीं, आपत्तियों का नहीं हुआ निस्तारण। इधर PTI भर्ती का अंतिम परिणाम भी अभी तक जारी नहीं। अंतिम परिणाम दस्तावेज सत्यापन के बाद बोर्ड की ओर से प्रारंभिक परिणाम जारी करने के बाद दुगना अभ्यर्थियों की संख्या के हिसाब से करीब 96,000 अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन पात्रता जाँच की जाएगी। ये काम पूरा होने के बाद अंतिम परिणाम जारी किया जाएगा। इसके बाद शिक्षा विभाग अभ्यर्थियों को जिला आवंटन कर काउंसलिंग के जरिए नियुक्ति प्रदान करेगा। 20 मई से पहले थर्ड ग्रेड का परिणाम जारी होगा। पड़ताल, प्रदेश में सरकारी भर्तियों के लाख दावों की हकीकत, 5 महीने बचे चुनाव में कैसे होगी 2,00,000 भर्तियां। राज्य सरकार 4.5 साल में अब तक 1,70,000 पदों पर ही कर पाई भर्तियाँ। 2018 से 2020 तक संपर्क भर्तियां, भर्ती का नाम थर्ड ग्रेड, 2022 लेवल फर्स्ट 15,500 पदों पर नियुक्ति, ग्राम सेवक, कंप्यूटर शिक्षक, पंचायती राज LDC, टेक्निकल हेल्पर, RES 2018, रीट 2018, PTI और अन्य भर्तियां। 2018 से 2023 तक प्रक्रियाधीन भर्तियां, टेक्निकल हेल्पर RES 2021, पुलिस SI, स्कूल व्याख्याता 2022 6,000 पद, थर्ड ग्रेड 48,000, सेकंड ग्रेड 2022 9,780 पद और अन्य भर्तियां। विज्ञप्ति के बाद हुई रद्द भर्तियां, फार्मासिस्ट, नर्सिंग, लैब टेक्नीशियन, सहायक रेडियोग्राफर, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता। तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर शिक्षकों ने बनाई आंदोलन की रणनीति, बाड़ी। शिक्षक भर्ती 1998 व 2004 में गड़बड़ी के चलते ही 3,000 पात्र अभ्यर्थियों को नहीं मिली नियुक्ति, बांसवाड़ा। स्कूलों में व्याख्याताओं के खाली पदों की संख्या 15,000 पार, नियम संशोधन नहीं होने से 1 साल से नहीं हुए सेकंड ग्रेड टीचर्स के प्रमोशन।
सेकेंड ग्रेड पेपर लीक प्रकरण, आरपीएससी में कार्मिकों और अधिकारियों में एक ही चिंता, एसओजी कब आ रही है? अजमेर आरपीएससी। सेक्रेटरी और चेयरमैन आज आरपीएससी नहीं थे। कटारा पर अब तक कार्रवाई नहीं। अवनरक्षक भर्ती शारीरिक परीक्षण में 506 अभ्यर्थी दिखाएंगे दमखम, 145 महिलाएं भी। बीकानेर, सरकार ने अभी तक नहीं किया 1,00,000 नई भर्तियों का वर्गीकरण, फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, अन्य भर्तियां जारी होगी। प्रदेश में 13,184 पदों पर होनी है भर्ती, पहली बार सफाई कर्मी भर्ती में इंटरव्यू होंगे, 1 साल का अनुभव जरूरी, पढ़ाई का जिक्र नहीं। आरपीएससी ब्रेकिंग, एसआई भर्ती 2021 इंटरव्यू का 8वां चरण का प्रोग्राम जल्द जारी होगा। आरएएस 2021 के इंटरव्यू अगले महीने शुरू कर सकती है आरपीएससी। आरपीएससी के बाहर निषेधाज्ञा 21 मई तक बढ़ाई, धरना नहीं दे सकेंगे आरपीएससी के सामने। वन रक्षक भर्ती, बेरोजगारों की विभिन्न मांगों को लेकर सरकार से हुई वार्ता, प्रक्रियाधीन और नई भर्तियों को लेकर। स्कूल व्याख्याता को नौसन परिलाभ देने की प्रतिवेदन को तय करने के दिए आदेश, राजस्थान पत्रिका, सीकर, फर्स्ट ग्रेड 2015। श्रीगंगानगर, राजस्थान पत्रिका न्यूज, नियमों की समीक्षा में अटका पेंच, स्पेशल स्कूलों को जल्द मिल सकते हैं व्याख्याता, 3 सत्र की बकाया है डीपीसी। व्याख्याताओं के पदों की वर्तमान स्थिति, स्वीकृति, कार्यरत, खाली, वीसी से खाली हुए कर्मोन्नत विद्यालयों में स्वीकृत होने हैं 15,000 फर्स्ट ग्रेड के पद, और 3 सत्रों की बकाया डीपीसी होने से वरिष्ठ अध्यापक बनेंगे व्याख्याता 15,000। वन रक्षक भर्ती शारीरिक दक्षता परीक्षा में 99 अभ्यर्थी शामिल, चित्तौड़गढ़। बीकानेर, युवा शिक्षा अवसर न्यूज, प्री डीएलएड अभ्यर्थी अब 28 अप्रैल तक कर सकेंगे ऑनलाइन रिपोर्टिंग। चिकित्सा विभाग की 5 भर्तियों की प्रक्रिया अब तक शुरू नहीं। अजमेर, युवा शिक्षा अवसर न्यूज, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, अजमेर से देश के 8 रीजनल कॉलेजों में बीएड व एमएड कोर्सेज का मौका, 2 जुलाई को परीक्षा होगी। जोधपुर, युवा शिक्षा अवसर न्यूज, सीनियर पीटीआई एग्जाम 30 को दोपहरियों में। आरटी बीकानेर, भास्कर न्यूज ब्रीफ, शिक्षकों ने जयपुर में किया सत्याग्रह, शिक्षकों की प्रमुख मांगे, यह पदोन्नति और अन्य मुद्दे। गार्गी पुरस्कार आवेदन की अंतिम तिथि 30 अप्रैल। कोटा, युवा शिक्षा अवसर न्यूज, जयपुर, युवा शिक्षा अवसर न्यूज, होम्योपैथी के 342, यूनानी डॉक्टरों के 249 पदों पर भर्ती के लिए वित्त विभाग को भेजा प्रस्ताव। शिक्षकों ने मांगा इंटरनेट भत्ता, एंड्रॉइड फोन, शहीद स्मारक पर धरना। सीबीएसई स्कूलों में आज से होंगे 3 दिन के बाल खेल महोत्सव। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में बीकॉम की परीक्षाएं शुरू, नवज्योति जोधपुर। रेलवे भर्ती बोर्ड ने जारी किया प्रोविजनल परिणाम। चयन परीक्षा 29 अप्रैल को जवाहर नवोदय विद्यालय, चाहत या बेरोजगारी 20,922 अभ्यर्थियों ने किया पीटीटी के लिए आवेदन। 2 वर्षीय बीएड के लिए जयपुर के बाद सबसे ज्यादा परीक्षार्थी सीकर के, पत्रिका न्यूज। शिक्षकों को गैर शैक्षिक कार्यों से मुक्त करने की मांग, डूंगरपुर। शिक्षकों के मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा राजस्थान पत्रिका पीठ। जेडब्ल्यू मैन सेशन 2 की प्रोविजनल फाइनल आंसर की जारी, कोटा। पीटीटी 2023 21 मई को परीक्षा, भीलवाड़ा जिले से आए महज 11,530 आवेदन, राजस्थान पत्रिका भीलवाड़ा।
11 सूत्री मांगों को लेकर किया प्रदर्शन भरतपुर। अनुपर्ति कोचिंग योजना की अंतिम तिथि 30 अप्रैल, राजस्थान पत्रिका न्यूज। जीजीटीयू विश्वविद्यालय बांसवाड़ा, शोध को मिलेगी गति, नेक मूल्यांकन में होगा लाभ। विद्यालय कर्मोन्नत पदोन्नति हुई न पद स्वीकृति, डीपीसी पिछले 3 वर्षों से बकाया, बांसवाड़ा राजस्थान पत्रिका न्यूज़।